सिद्दीक अकबर के कल्ब में था, जो फारूक आजम के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो साथ सईद तलहा जुबैर अबू उबैदा इब्न अल जर्रा बिलाल हबशी अबू हुरैरा खालिद इब्न मुईद के दिल में था। अल्लाह अकबर। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक आम इंसान की तरह रह जाए। मैं जितने हवाले आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इसके हवाले यकीनन मैं आपको देने के हवाले से तैयार हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसको पहले समाप्त कर लें। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद का अंदाज ये था, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। सहाबा यही कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करते थे वो नमाज की वजह से करते थे। और वहाँ यजीद का हाल ये था, अल्लाह अकबर। बाद में आप मरवानी दौर में देखें यजीद की फिक्र, अल्लाह अकबर। जुमा की नमाज का हाल ये था कि जुमा का खुतबा इतना तवील करने वाले ने तवील किया कि असर का वक्त भी जाने लगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसी हस्तियों ने टोका तो अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गर्दन का बोझ जो आपके जिस्म पर है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें यानी कि दीन बदलना, दीन का नाम लेकर दीन बदलना, वो दीन जिसमें नमाज ना हो यानी रूहे नमाज, वो दीन जिसके अंदर अल्लाह अकबर नशे की मुकम्मल तौर पर कोई रुकावट ना हो बल्कि नशा किया जाता हो। बल्कि यजीद के बारे में हाफिज़ इब्ने कसीर यहाँ तक लिखते हैं कि यजीद उस नशेड़ी का और नशा करने वाले का नाम है कि जिसने सफरे हज में भी शराब पीना बंद नहीं किया। वो उसने सफरे हज में भी संबल वालों और गिरदो नवा से आने वालों, आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान का कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी अगर हज के लिए जाए तो कम से कम वो सफरे हज में शराब नहीं पीता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो किस कदर बदबख्त था, किस कदर बदतरीन और पलीत था। इब्ने कसीर के कौल के मुताबिक कि उसने सफरे हज में भी शराब पी। और बाज़ मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक उसके बारे में कहा है कि उसने अशआर कहे। अगर मुअर्रिखीन ने इंसाफ से काम लिया है तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से इसको बयान कर दूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि अगर दीने मुहम्मदी में शराब हराम है तो फिर ईसाई बन करके शराब पी लेना चाहिए। ये उसका नजरिया था। वो बंदर न चाहता था, आपको पता है, वो बांसुरी बजाता था, आपको पता है। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक के ख्वाजा हसन निजामी जैसे लोगों ने तो बहुत बड़ी बातें उसके बारे में लिखी, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करूं कि यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली माँ पर तक पाप की नजर डाली। लोगों ने और आगे के किस्से लिखे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उसने अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डाली। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका को उसने बदतरीन गाली दी। और वो गाली शेख मुहक्किक ने लिखा है, लेकिन मजमे में मेरी बयान करने की हिम्मत नहीं है। वल्लाह वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिस पे तोहमत लगती हो, तो अल्लाह जिसकी बरात का ऐलान करता है, जिसकी इज्जत का ऐलान करता है, जिसकी शान और अज़मत का ऐलान करता है, सूरतुन नूर की आयतें जिसकी तहारत की गवाही देती नजर आती हो। मेरे इमाम कहते हैं, शमा दिल मिशका तन सीना सुजाजा नूर का तेरी सीरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। वो इतनी गंदी गाली दी है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ये यजीद था। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, यजीद के यहाँ बाप का कोई एहतराम न था, इसलिए कि इब्ने कसीर को आप उठा करके पढ़ें तो वो अपने वालिद से दूर दूर ही रहा, बल्कि वो यहूद और नसारा के माहौल में रहा। कुत्तों से मोहब्बत करना, बंदरों से मोहब्बत करना, बांसुरी का मामला, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद उसके अक्सर दोस्तों जो थे वो यहूद और नसारा थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ऐसा शख्स जो है वो कुर्सी पर, वो भी कौन सी कुर्सी, वो भी कौन वो भी कौन सी मंजिल, वो भी कौन सा मकाम जिस मकाम पर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर बैठ चुके थे, उस कुर्सी पे वो बैठ रहा था। अगर इमाम उसको कबूल करते तो लोग ये समझते कि जो रंग सिद्दीक अकबर का है वही रंग यजीद का है। अल्लाह अकबर, यानी किस कदर जो है वो दीन के अंदर फितना होता, रखना होता, किस तरह जो है वो दीन का की शक्ल बिगड़ जाती। जिस कुर्सी पे फारूक आजम बैठ चुके थे उसी कुर्सी पे वो बैठना चाहता था, यानी मोमिनों का खलीफा, मोमिनों का अमीर कहलाना चाहता था। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुखालिफत फरमाई और मुखालिफत फरमाकर एक मुकम्मल नजरिया पेश किया। अली अकबर जैसा जवान खाक और खून में तड़पता हुआ देखा जाएगा, अली असगर जैसा शहजादा करबला की जमीन पर दफन होता हुआ देखा जाएगा, सकीना के चेहरे पर तमाचे लगते हैं, हुसैन उसको बर्दाश्त कर लेंगे, बीबियों के दुपट्टे छीनते हैं, हुसैन पाक को वो बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन को बदला जाए, खुदा के दीन के अंदर जो रूह है उसको मुर्दा करने की कोशिश की जाए। इमाम ने उसको गवारा ना फरमाया और सब लुटाया। जो आप दास्ताने करबला में सुनते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं अब हम किसके साथ खड़े हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ ले जाऊं। यजीद के यहाँ जिना कोई ऐब नहीं था और इमाम हुसैन के यहाँ जिना का नाम सुनकर भी बदन के रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या लोग ऐसा गुनाह भी कर सकते हैं जिसे जिना कहते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं अगर आज कोई जिना के अड्डे की तरफ जा रहा है और उसके माथे पर बल भी नहीं है और वो बेहयाई और बदी में डूबा है, तो आपसे पूछना चाहता हूं वो नजरियाती तौर पर किसके साथ खड़ा है, इमाम हुसैन के साथ खड़ा है या फिर यजीद के साथ खड़ा है। बड़ी माजरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, कड़े पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, डोरे हाथों में बांधने का नाम हुसैनियत नहीं है, रंग बिरंगी कपड़ों पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, 10 दिन के मुहर्रमी बनने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है अगर दीन के तहफ्फुज़ के लिए घर लुटाना पड़े तो घर लुटा दो, औलाद लुटाना पड़े तो औलाद लुटा दो, हत्ता कि जान भी कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान करके बता दो जाने अहम नहीं है, अल्लाह का दीन है। माजरत के साथ कुछ लोगों ने हुसैनियत को बहुत सस्ता कर दिया। अगर डोरे कड़े और कलर के कपड़ों का नाम हुसैनियत होता या चंद महफिलों का नाम हुसैनियत होता फिर तो पूरी दुनिया हुसैनियत की तरफ आ जाती। हुसैनियत इतनी आसान तो नहीं है ना। उस दौर में भी 22,000 का लश्कर अलग खड़ा है और 72 नफूस अलग खड़े हैं। इससे पता चला हुसैनियत आसान नहीं है। अब अपने आप में डूब कर सोचो क़यामत के दिन अल्लाह अकबर किसके साथ उठोगे। मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अजाब को कबूल करते हुए खुदा के चैलेंज से न डरते हुए नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर जिना के मनाजिर देख रहे हो तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है एक बात अर्ज करूँ कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में 2 कदम पीछे नजर आ रहा है। और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं जी, सही बात, वो इस मामले के अंदर इस मामले में कह रहा है क्या वो यजीद से 2 कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह बताओ तो सही। शहजादा रसूल से मोहब्बत का दावा और कोई मुसलमान ये तस्वुर कर सकता है कि वो जिना के अड्डे पे जाए? वो जिना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदा नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन ज़ानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ शराब को ले लें, नशा को ले लें। अल्लाह अकबर, 16, 17, 17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह अकबर नशा की तरफ जो चीज़ ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेज़ी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊँ, हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, इस्लाह माशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं, इस तरह की लोग बात करते हैं। फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुँचती हैं। और फिर धीरे धीरे इंसान MD का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज़ का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूँ, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फ़र्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने MD वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है, उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोश हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फलां बिल्डिंग गिर गई, फलां बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोश होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं, दो गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, दो गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं, तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहाँ तक के हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो, जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता, बल्कि आशूर के शब में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौरखीन कहते हैं जुमरात को ही जो वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे, ताकि आने वाली रात शब आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वो जारी करें। आपसे पूछता हूँ, इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ, हमसे बढ़ करके मकर कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे, कब तक जराइम करते रहोगे, कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे, कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे, कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुसल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह को अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए तो फिर इंसान बच ना सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70 अंबिया के बराबर भी कोई आमाल बफर्ज़े महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने आमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा, अल्लाह अल्लाह। जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है, मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है, आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर क़यामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर क़यामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहे, तवज्जो है आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाँकना आसान है, मैशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहाँ बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफसी नफसी कहेंगे। थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो, मेरी कौम के जवानों अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो, इमाम आली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों आपसे पूछता हूँ थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना, जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे। और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था वो सब एक तरफ खड़े रहे तो बताओ अल्लाह अकबर निगाहों को तहफ्फुज़ देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहें और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहें तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी, और जो नमाजों को तहफ्फुज़ देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा था हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है अल्लाह अकबर फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया है, इत्तेफाकी हादसा आपके मुर्रखीन के और लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जो वो शहीद होंगे। जंग सिफीन के मौके पर मौला कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हक़ायक़ है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरियात की जंग है। एक तरफ यजीद सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है तो हम मैदान में बताएंगे कि सौतेले रिश्ते का तकद्दुस क्या है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप तवज्जो करें, सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप नहीं देखते सौतेले रिश्ते का मतलब, कुरान की तफासिर उठा करके देखे इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सौतेले रिश्ते का मतलब क्या। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ है, अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों को बता रही है अल्लाह अकबर के तुम्हारे सौतेले भाई ने ये ख्वाब देखा है। इसी तरह है ना, सौतेले भाई हाथ का पानी छीन करके जमीन पे डाल रहे हैं, सौतेले भाई हाथ की रोटी छीन करके कुत्ते को डाल रहे हैं, सौतेले भाई मार पीट करके कुएं में फेंक रहे हैं। यही तो सौतेला रिश्ता लोग जानते हैं, मगर कुर्बान जाए इमाम आली मकाम सौतेले भाइयों को करबला में ले जाकर और फिर उनकी वफा का इजहार करके बता रहे आखिरकार इमाम हुसैन ने सौतेले भाइयों के साथ सुलूक क्या किया होगा कि सौतेले भाई अपनी जान से ज्यादा अपने सौतेले भाई से प्यार कर रहे हैं। कोई किसी पर यूं तो नहीं मरता, कोई किसी से यूं तो प्यार नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं हुसैन पाक का सौतेला भाई सबसे ज्यादा मोतबर बावफा है जिसे दुनिया गाजी अब्बास के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं वफा का दूसरा नाम अगर करबला के बाद हमसे कोई पूछे तो हम हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया करते। शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्तेदारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी, तो हजरत अब्बास ने कहा शिमर उनको काटना चाहता है और हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूँ, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का। करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवे मुस्तफ़ा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है? हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आपका और हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है? यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हों तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है? सरकारे गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है, भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किस किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कहें कि पानी पिलाते? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई, बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आप से पूछता हूं बहन के बारे में इमाम अली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते खिलाएंगे कहां से? हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है? और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंग हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर हुनैन के अंदर वाफर मकदार में, कसीर मकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैमा को तो जानता हूँ, हलीमा को भी जानता हूँ, मेरी वो माँ है, रज़ाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है, एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है, वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था, और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़े नजर आई। और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है, तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है, मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर फरमाए। बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रजाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो, हमारे पास बहन का क्या एहतराम है। अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है। और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं। तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है, जिस घर में ना भाई अपना हो, ना बहन अपनी हो, ना माँ अपनी हो, ना बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं दो बात करना चाहता हूं। नंबर एक, मिंबरों से इस बात को बहुत मुबालगे के तौर पे बयान न किया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना कल मुस्तकबिल में, अल्लाह अकबर, मुस्तकबिल में कल लोग इन्हीं तकरीरों को बुनियाद बनाकर, इन्हीं अखबारात के आर्टिकलों को बताकर हमारे बच्चों को ताना देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो भगोड़ी थी, भगोड़ी, कौन की बेटियां भगोड़ी थी। कोई कहता है 30 लाख चली गई, कोई कहता है 40 लाख चली गई, कोई कहता है 50 लाख चली गई। मैंने कहा हजरत जी सबूत तो बताएं, इतनी चली गई कहाँ गई, जरा ये तो बताएं। वो कहा मीडिया में आया है। मैंने कहा ओ नादानो, थोड़ा तो जरा शऊर करो, हर बात तो बोलने की नहीं रहती। अगर मीडिया कह दे कि चांद हो गया, चांद आ गया, तो क्या उसकी बात मानोगे? नहीं मानेंगे। हमने कहा जिस मीडिया के कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उस मीडिया के कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लेते हो? वल्लाह आज भी मुसलमानों की बेटियों में इतनी गैरत है कि किसी और की माँ में उतनी गैरत नहीं है, लेकिन कहीं कुछ गई है, कहीं कुछ गई। मैं जानता हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कुछ गई है, लेकिन कौन गई है? वो गई है खदीजतुल कुबरा का किरदार जिसने नहीं सीखा, कौन गई है आयशा सिद्दीका का किरदार जिसने नहीं सीखा, कौन गई है सैयदा फातिमा का किरदार जिसने नहीं सीखा, कौन गई है सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा, वो चन गई है। लेकिन याद रखना हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर, अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, लेकिन चले चन गई तो गई, एक बात कहता हूँ, बहुत पूरे यकीन से कहता हूँ, उलमा मौजूद है, मेरे मखदूम भी मौजूद है, सादात किराम भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है, अगर जा रही है चंद तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहने बोझ नहीं है, जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को यह नहीं पता, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक ने फरमाया बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दी हमेशा बरकत रहे। मैंने कहा बेटी उस तावीज़ का नाम है, क़यामत तक बरकत रहेगी। तो वो कैसे? का हदीस पाक में आता है जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं ऐ कमज़ोर जान से पैदा होने वाली कमज़ोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब सुभान अल्लाह, तो मदद यूँ उतर रही है और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना जिन्हें सकीना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के वो जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे, एक बेटी का मर्तबा। करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे हैं, आप अंदाजा तो फरमाएं। चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है, ये सब क्या है? भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत और इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा। करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफ़हूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुकद्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खात्मे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात यह भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते मुसलमानों एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबा किराम की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी दो रकत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं किस मुंह से सहाबा को तान करते हो, किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? दो रकत पढ़ने की औकात नहीं है सही से और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवाल या निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया और ये किया। आपसे पूछो फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर, आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही उठनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते सवारी एक है इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूँ बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं, बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी तशफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी। मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था, अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के साथ बैठा करता था, वो गुस्ताख नहीं था बल्कि गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। आज ये बहस चल रही है कि कौन कब ईमान लाया था, कौन कब ईमान लाया था। मैंने कहा किसी ने कभी भी ईमान लाया था? ईमान तो लाया था ना, हुजूर ने तो माफ किया था ना, हुजूर ने तो चादर में जगह दी थी ना। जिसको रसूलुल्लाह अमान दे दे, जिसको नबी अमान दे दे, उम्मती को हक क्या है उसको अमान से बाहर करने का? आपसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए मुसलमानों अपनी हैसियत में रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, आलिमे रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है। जब आलिमे रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है, जो सहाबा की तौहीन करे, सहाबा को गालियां दे, याद रखना स्टेज पर कुछ भी कहो, कमरे की गुफ्तगू तो अल्लाह सुन रहा है, दिलों का हाल तो अल्लाह देख रहा है। इसलिए उनके लिए दिलों में कीना न रखो, उनके लिए दिलों में अदावत न रखो। मुसलमानों क्या बात है, अगर रसूलुल्लाह ऊंट के चमड़े की नालैन पहन ले तो हम उस नालैन को सर पे रखते हैं। आखिर ऊंट का चमड़ा ना देखा, क्या देखा? रसूलुल्लाह की निस्बत देखी। तो जब रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से ऊंट का चमड़ा सर पे रखा जाता है, तो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से असहाबे मुस्तफा की ताजीम क्यों नहीं की जाती, उनका एहतराम क्यों नहीं किया जाता? लेकिन एक बात यह भी ख्याल रखना, एक तबका वो है कि अल्लाह अल्लाह, जो सहाबा को हल्का जान रहा है, सहाबा की बेइज्जती कर रहा है, कमरों में बैठ करके अपने मानने वालों को उनके खिलाफ कान भर रहा है। लेकिन दूसरा तबका वो भी नजर आ रहा है कि जब अहलुल बैत पर कोई गुफ्तगू होती है तो फिर उसका मुंह उतरता है कि ये अहले बैत की फजीलत पढ़ने वाला कोई रावजी तो नहीं हो गया। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, अहले बैत की फजीलत पढ़ना रावजियत नहीं है बल्कि सहाबा की गुस्ताखी करने का नाम रावजियत है। वरना देखो अल्लाह अकबर, हमारे जितने बुजुर्गान दीन है सब ने खुल खुल कर खिल खिल कर सहाबा की अजमत भी बयान की और अहले बैत की अजमत भी बयान की। आज अगर महफिल में नारे हैदरी लगे तो कुछ लोगों के चेहरे यूं उतरते हैं, हमने खुद मिंबर पे महसूस किया, उनके नाम नहीं जानते वो कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर कि महफिल में अली का नारा लग रहा है, रावजियों की महफिल तो नहीं। मैंने कहा ये फिक्रे सहाबा नहीं है, फिक्रे अहले सुन्नत नहीं है। हमारी महफिलों में सहाबा के साथ अली मुर्तजा का नारा लगता था, लगता है और इंशाअल्लाह लगता रहेगा, बल्कि सहाबा ने तो मेयार करार दिया है ईमान का अली मुर्तजा को। फरमाया जब लोगों में बिदअतें फैलने लगी, फितने उठने लगे, तो महफिलों में लोग आते तो हम सोचते कौन अपना और पराया है। तो जब लोगों को छांटना चाहते, लोगों को तकसीम करना चाहते, अपने और पराए का फर्क क्या है, तो हम जिक्र अली करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते ईमान वाला है, जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते कि मुनाफिक है। नारे तकबीर, इसलिए नारे रिसालत, जिक्र अली करो मगर एहतराम सहाबा के साथ, जिक्र अहले बैत करो एहतराम सहाबा के साथ, सहाबा का जिक्र करो अहले बैत की ताजीम के साथ, क्योंकि ये दोनों रसूलुल्लाह से मंसूब है। बल्कि यूं कह लें हुजूर के इर्द गिर्द सितारे गर्दिश कर लें। जो गर्दिश घर के अंदर कर लें उनको अहले बैत कहते हैं, और जो घर के बाहर कर लें उनको सहाबा कहते हैं। हुजूर की निस्बत का ख्याल करो। आइए अपनी बात को इख्तिताम तक पहुँचाते हुए ये बात अर्ज करूँ, मुसलमानों हमने बातें बहुत की, बहुत बातें की। हम सब जगह हैं, अमल के मैदान में नहीं, अमल से कोरे, ज़िंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। याद रखना अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको पहुंचना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। आइए आज से पहले कुछ किया जो किया सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ वापस आए। याद रखिए इंसान जहाँ जाकर जुर्म का एतराफ़ करे, जहाँ जाकर एतराफ़ जुर्म करने से इंसान की इज्जत घटती है, लेकिन एक मेरे अल्लाह का डर है जहाँ आकर इंसान इकबाले जुर्म कर ले तो मेरा अल्लाह इज्जत घटाता नहीं बल्कि इज्जत को बढ़ा देता है। आओ तौबा करो। आज मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख है। ये मुहर्रम शरीफ हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला, यानी जिन 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह ने रोज़ अव्वल से मुकर्रर की है उसमें मुहर्रमुल हराम भी है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस ये है कि रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने के रोज़े की अहमियत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े, माह मुहर्रम शरीफ के रोज़े। इन दिनों को खुराफात बिदात में गुजारने की बजाय इबादत में गुजारो। हो सके तो ये तय कर लो कि रोज़ाना मैंने नबी और आले नबी पर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कहेंगे लोग क्या कहते, अरे बहुत टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है, बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इस दुरूद शरीफ को आपने पढ़ा 1000 बार सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद जैसा कि आपने पहले भी सुना सदका दो, खैरात दो। और एक बात आपको कहूँ, इसको भी ध्यान से, कि जो हम खुराफात पर और बिदात पर पैसा खर्चा करते हैं उस पैसे को उठा के आप वो सादाते किराम जो मालदार नहीं है उन पे खर्चा करो, वो उलमाए किराम जो मालदार नहीं उन पे खर्चा करो। इससे क्या हो, खुराफात और बिदात के बारे में तवज्जो करना। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है जायज़, एक ग्रुप कहता है नाजायज़। जो ग्रुप जायज़ कहता है वो भी सिर्फ जायज़ ही कहता है, ना फ़र्ज़ कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज़ साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज़ ही कह सकेगा, फ़र्ज़ नहीं कह सकेगा, वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किया है, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और आपको बताऊं खास तौर पे सादात की खिदमत, वो जो मालदार नहीं है, मुस्तहिक है, ये नहीं कहता गरीब है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी सैयद को गरीब कहूँगा, लेकिन सादात जो मालदार नहीं है, मालदार, अगर आप उनकी खिदमत करें तो होगा क्या। 2-3 बातें सुन ले, बात खत्म करते। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे, हज का इरादा था, और हज के इरादे में आपने ये तय किया कि मैंने हज को जाना है। पूरी तैयारी हो गई, इरादा बन गया हज को जाना। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को पता चला कि मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं और वो इस वक्त थोड़ा परेशान हाल है, हालात के सताए हुए और हालात के मारे हुए। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी है, सैयद है, मैं उनके नाना के यहाँ जाऊँ, मैं हज के लिए जाऊँ और इनको भूखा प्यासा तड़पता बिलकता छोड़ के जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, इस साल हज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी देखेंगे, हज की पूरी रकम उठाकर उस सैयद साहब को दे दिया। और उसके बाद आंसू पोंछते हुए अब सब्र करते हुए रह गए। जब हज से काफिला वापस आया तो लोग मुलाकात करते थे तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लोगों को कहते थे मुबारक हो हज, तो लोग भी कहते थे अब्दुल्ला आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचते या अल्लाह मैं गया नहीं लेकिन जो आता है मुझे हज की मुबारकबाद देता है। इसी फिक्र में थे, आंख लगी तो ख्वाब में गैब से निदा आई, कोई कहने वाला कहता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तूने मेरे नबी के शहजादे की मदद के लिए हज को मुलतवी कर दिया, तो तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए खुराफात की तरफ खर्च करने की बजाय अपने सादात जो मुस्तहिक है उनके लिए खर्च करो। ऐसे सादात हैं, मैंने कई जगह देखा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है भरने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये सारी चीजें मुसलमानों हमें इसकी तरफ गौर, तरजीहात की तरफ गौर कीजिए, जहाँ खर्च करने का ज्यादा फायदा है उसकी तरफ। बल्कि इमाम अहले सुन्नत एक हदीस लिखते हैं, आइए उस हदीस को भी सुने। कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बनु हाशिम पर एहसान किया, उनकी खिदमत की, उनकी मदद की, आका फरमाते मुझ पर वाजिब और लाजिम है कि जिसने भी मेरी आल की खिदमत की, मदद की, नुसरत की, हिमायत की, मोहब्बत की, आका फरमाते मुझ पे वाजिब है, लाजिम है कि उसका सिला मैं उसको कयामत में दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा। ये हदीस लिखने के बाद मेरे इमाम कहते हैं जिसका मफहूम ये, सुन्नियों दौड़ो और सादात की खिदमत कर लो, इसलिए कि नबी किस किस को मिलेंगे किस किस को ना मिलेंगे अलग उन्वान है, लेकिन जिन्होंने आले नबी की खिदमत की होगी उससे मिलने का वादा मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। गोया कि और लोग हुजूर को ढूंढेंगे और हुजूर अपनी आल की खिदमत करने वाले को सिला अता फरमा रहे होंगे, लिका का शरफ अता फरमा रहे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमने अपने पैसों को, रुपयों को बहुत ज़ाय किया खुराफात पर, बिदात पर। क्या खुराफात है, क्या बिदात है। अपने इलाके के मुस्तनद मोतबर उलमा और मुफ्तियान किराम के पास बैठो और बैठ करके सीखो कि किन खुराफात से और बिदात से बचना है और कौन सी चीज़ें अहले सुन्नत व जमात से है। जैसे कि लोग तो शरबत पिलाने को भी बिदत कह देते हैं। आपसे कहता हूँ कि भाई शरबत पिलाना कौन सी बिदत है। मेरे इमाम लिखते हैं, वो भी क्या दलील दी, फरमाया जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सके तो इमाम अली मकाम के नाम पे अगर मोमिनों को शरबत पिलाया जाए तो फिर उसका सिला क्या होगा। सारी चीजें करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व तूबु इलैहि। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।